हेलो माय स्टूडियस फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस विद सुमन त्यागी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं द फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। Summer of the Beautiful White Horse is written by William Saroyan. This story actually based on William's childhood experiences. जैसा कि उनके फादर आर्मेनिया से इमिग्रेट होके अमेरिका आए थे, तो वहां पर ही वॉज वर्किंग इन अ फ्रूट ग्रोवर फार्म। ओके, तो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन विलियम्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अमंग द आर्मेनियन अमेरिकन फ्रूट ग्रोवर्स ऑफ द सैन जोक्विन वैली, और डील्ड विद द रूटलेसनेस ऑफ द इमिग्रेंट। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये जो स्टोरी है, इट शोज द पेन ऑफ इमिग्रेंट्स अबाउट द आर्मेनियन। ही सेड, वो आर्मेनियन ब्रीड के बारे में क्या कहते हैं, आई शुड लाइक टू सी एनी पावर ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रॉय दिस रेस और सी इफ यू कैन डू इट। मीन्स पूरी दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं बनी जो इस रेस को खत्म कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। एंड दिस चैप्टर डील्स विद दिस वाइवेसिटी एंड नेवर से डाई स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ आर्मेनिया। मतलब दे आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड दे आर फुल ऑफ लाइफ, वेदर दे आर एबल टू कोप अप विद द डिफिकल्टीज और नॉट, बट दे ट्राइंग हार्ड, दे ऑलवेज ट्राइंग हार्ड। दैट्स व्हाई दिस इज द स्टोरी अबाउट आर्मेनिया। First of all, we will start with the characters. There are four main characters in the chapter. Number one is Aram. Aram was a 9-year-old boy, and he was very crazy about horses. Number two is Murad. Murad was the cousin of Aram, and he was 13-year-old. Crazy streak. He was quite adventurous, and he wanted to live the life to the fullest. And for this sake, he did not even mind breaking rules of the family, and he was ready to take risk any time. And number third is Uncle Khushro. Uncle Khushro was the uncle of both the boys, and he was quite impatient and easily irritated. And he was having a big build, big mustache, black hair, and unka ek pet dialogue tha. It is no harm, pay no attention to it. And वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। तो ऑल दीज थ्री कैरेक्टर्स वर बिलोंग टू गैरोग्लेनियन फैमिली। गैरोग्लेनियन बेसिकली एक ट्राइब होता है, एक ट्राइब है जो अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए फेमस है। इस फैमिली में रहने वाले, इस ट्राइब के लोग जो है, दे आर जस्ट कमिटेड टू अपहोल्ड द फैमिली नेम, एंड दे आर क्वाइट पॉवर्टी स्ट्राइकन। बस इतना पैसा उनके पास होता है, इतना एनी हाउ मैनेज होता है कि दे कैन फिल देयर बेलीज ओनली, सिर्फ खाना अफोर्ड कर सकते हैं, इतना इतने एक्सट्रीमली पावर स्ट्राइकन है वो। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट फोर्थ कैरेक्टर, जॉन बायरो। जॉन बायरो वॉज द ओनर ऑफ द हॉर्स एंड ही वॉज एन असीरियन फार्मर। तो ऑल दीज फोर कैरेक्टर्स वी विल डिस्कस फर्दर इन द चैप्टर। जब चैप्टर शुरू होता है तो उसमें सुबह के 4 बजे होते हैं या अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। तो जो मुराद है वो हॉर्स राइडिंग करता हुआ आता है, एंड वो विंडो नोक करता है आराम की। आराम जब विंडो के बाहर देखता है आंखें मलते मलते, तो वो क्या देखता है कि जो मुराद है वो व्हाइट हॉर्स पर राइडिंग कर रहा है। तो आराम वॉज ऑल्सो वेरी क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। तो वो आंखें मलते मलते और रेडी होकर बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम ये हॉर्स कहाँ से लाए हो, क्योंकि उसको पता है कि दे आर एक्सट्रीमली पावर स्ट्राइकन, दे कैन मैनेज ओनली टू सेटल द फूड 2 times इन अ डे। तो ये घोड़ा तो वो खरीद नहीं सकता, तो उसके पास कहाँ से आया, उसके कजिन के पास वो घोड़ा कहाँ से आया। दैट्स वाई ही जस्ट आस्क सो मैनी क्वेश्चन टू मुराद, एंड मुराद आंसर में कहता है कि अगर तुम्हें राइड करना है तो तुम आ जाओ, और इस सबसे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। तो आराम सोचता है, जस्ट कीप द क्वेश्चन असाइड, और आराम सोचता है कि चलो मैं भी राइड इंजॉय करता हूं। दोनों मिलकर
हॉर्स पर बैठकर दोनों राइड एंजॉय करते हैं और थोड़े टाइम बाद जो है जो आराम है वो मुराद को बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंटली राइड करना चाहता हूँ, मतलब मैं अकेला हॉर्स पर राइड लेना चाहता हूँ, हॉर्स राइडिंग लेना चाहता हूँ एक बार। तो मुराद वो सेइंग कि मैं तो हॉर्स के साथ मतलब हॉर्स के साथ मेरी ट्यूनिंग है, मैं जानता हूँ उसको या मैंने उसको इस तरीके से ट्रेन किया है, लेकिन क्या तुम अकेले कर पाओगे, ये आसान नहीं है। आराम वो सेइंग कि यस आई कैन डू इट। तो मुराद उसको हॉर्स को दे देता है कि यू जस्ट राइड इंडिपेंडेंटली। जब वो इंडिपेंडेंटली राइड करने लग जाता है तो हॉर्स गोट आउट ऑफ कंट्रोल, जो हॉर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड इट जस्ट रैन ओवर वाइन्स मेकिंग हिम फॉल डाउन, और घोड़ा उसको जानबूझकर गिरा देता है क्योंकि वो उसको जानता नहीं है और उससे उसका उसको नोन नहीं है या उसकी उस तरीके से ट्रेंड नहीं हुआ किया हुआ है, तो इसलिए वो उसको गिरा देता है एंड वहां से भाग जाता है। एंड देन मुराद एनी हाउ मैनेज द हॉर्स एंड देन ही जस्ट टोल्ड कि आसान नहीं है एंड वो उसको जाकर एक बार्न में छुपा देता है। किसी किसान जो बार्न होता है जहां भूसा रखते हैं ऐसा वाला कमरा, तो किसी का ऐसा वाला कमरा था वहां पर खेतों में फार्म्स में, तो वहां पर जाकर उस हॉर्स को छुपा देता है और ये कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है फॉर फ्यू डेज। वन डे व्हाट हैपन्ड कि हर रोज वो एक बार आराम डिमांड करता है कि मैं इंडिपेंडेंटली राइड करूंगा हॉर्स पर, तो मुराद उसको दे देता है। धीरे धीरे वो उसको जानने लगता है लेकिन वो बहुत बार उसको गिराता है और भाग जाता है घोड़ा। तो एक दिन जब घोड़ा भाग गया तो वो उन दोनों को मिल नहीं रहा है, दोनों उसको ढूंढ रहे हैं और उसको ढूंढते ढूंढते जो है वो उनको थोड़ी जो सुबह है वो थोड़ी ज्यादा सुबह हो गई है और लोग निकलने लगे हैं घरों के बाहर, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ उस दिन ये सब मैनेज करना। अब जो अंकल खुशरो थे, अब किसका घोड़ा था वो, क्या उसने वो घोड़ा चुराया था, तो ये सब रिवील होगा अंकल खुशरो के कॉन्वर्सेशन से। जब अंकल खुशरो आराम के घर आते हैं और वो बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो तभी एक पर्सन जिसका नाम है जोन बायरो, जो ओनर ऑफ द हॉर्स है, वो उनसे मिलने आते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि मैं इतनी दूर पैदल चलते चलते हुए आया हूं क्योंकि मेरा घोड़ा किसी ने चुरा लिया है और घोड़ा चुराने की वजह से जो मेरी हॉर्स कार्ट है वो बेकार है, तो इसलिए मैं थक गया हूं और मुझे मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है और लगभग इस बात को एक महीना हो गया है। तो आराम जस्ट केम टू नो अबाउट द हॉर्स और उसने जोन बायरो ने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि वो जो हॉर्स है वो व्हाइट इन कलर है और वो लगभग मुझे $60 का पड़ा था, ये सब डिस्क्रिप्शन सुन के आराम जो है दौड़ा दौड़ा मुराद के पास जाता है एंड ही जस्ट टोल्ड द एंटायर थिंग कि जोन बायरो जो है वो आ गए हैं यहाँ और वो देख लेंगे अगर, या उनको पता चल जाएगा कि हमने उसे चुराया है तो क्या होगा, वो बहुत डरा हुआ है। लेकिन जब वो वहां जाता है तो देखता है कि जो मुराद है वो एक रोबिन, एक बर्ड होता है रोबिन, उसके पंखों को ठीक कर रहा है, वो हर्ट हो गया है बर्ड, उसे प्यार से सहला रहा है, उसके पंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको देख के आराम जो है वो बहुत इंस्पायर होता है मुराद से कि इसकी कितनी अच्छी दोस्ती हो जाती है बर्ड से, एनिमल से, ऐसे ही हॉर्स को बहुत अच्छे से रखता है और हॉर्स इसको समझता है, ऐसे ही बर्ड से इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है बर्ड को, तो बर्ड भी इसको कुछ नहीं बोल रहा है और उससे अपने जो पंख हैं अपने विंग्स हैं उनको अरेंज करा रहा है। तो वो इंस्पायर्ड फील करता है कि ये कितना प्यार करता है बर्ड्स और एनिमल्स को। अब उसके बाद जो आराम है वो फिर भी एक बार मुराद को थोड़ा वॉर्न करता है कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। आराम की ये सब बात सुनकर मुराद पहले तो थोड़ा सा डर जाता, थोड़ा सा अबिट डर जाता है, लेकिन फिर आराम कहता है कि अगर तुम उस हॉर्स को वापस करोगे तो कर देना, लेकिन अभी कुछ दिन, लगभग कुछ दिन, महीना दो महीना तो उसको अपने पास रख लो ताकि मैं हॉर्स राइडिंग सीख सकूं। तो मुराद उसको बोलता है कि आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम मुझे स्टीलिंग के लिए इंस्पायर कर रहे हो, मैंने घोड़ा लिया है चुराया है पर बेचने के लिए नहीं, सेल करने के लिए नहीं, पैसा नहीं कमाना चाहता मैं इससे, मैंने सिर्फ राइडिंग के लिए लिया है, राइडिंग एंजॉय करना चाहता था मैं इसलिए लिया है, तो मुझे ये घोड़ा उसके ट्रू ओनर को वापस कर देना चाहिए।
लेकिन जो उन दोनों का जो थॉट था राइडिंग सीखने का, एनी हाउ दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं और अगले 2-3 वीक तक वो घोड़ा उनके पास रहता है, बिकॉज दे आर लर्निंग राइडिंग हॉर्स इन द मॉर्निंग. एक दिन क्या होता है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग में वो दोनों राइडिंग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो जॉन बायरो से कन्फ्रंट हो जाते हैं. जॉन बायरो आ जाता है सामने से और वो हॉर्स के साथ होते हैं. जॉन बायरो बहुत ध्यान से उस घोड़े को ऑब्जर्व करते हैं, उसका कलर, उसके टीथ काउंट करते, उसके टीथ काउंट करते हैं, टीथ देखते हैं कि बिल्कुल मैचिंग है जो मेरा घोड़ा था उससे, उसके कान, उसको, उसकी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करते हैं. उन्हें लगता है कि ये तो मेरा घोड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम गैरोग्लेनियन फैमिली से नहीं होते तो मैं इजीली ये क्लेम कर सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी गैरोग्लेन ट्राइब में कोई भी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता, तो मैं ये कंसिडर करता हूं कि ये मेरे घोड़े का ट्विन्स है, क्योंकि आपकी फैमिली में तो कोई स्टीलिंग कर ही नहीं सकता. तो उसका जो ये बिलीव था, जॉन बायरो का जो ये बिलीव था, ये पूरा अंदर से मुराद को शेक कर देता है कि मेरी फैमिली की जो डिग्निटी है वो इतनी फेमस है या लोग इतना भरोसा करते हैं, फिर भी मैंने ये गलत काम किया. एक तो ये बात, क्योंकि अंदर से वो एक तरीके से उसका जो कंसाइंस है वो झंझोड़ देता है उसको, और दूसरी बात उसको ये डर भी है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा, हमारी फैमिली की डिग्निटी भी जाएगी और हमारा जो हमारे जो भरोसा है, ट्रुथ है, ट्रुथ के लिए जो फेमस है हमारी गैरोग्लेनियन फैमिली, ऑनेस्टी के लिए जो फेमस है, वो सब खत्म हो जाएगा. तो क्या होगा, हम अपनी पूरी अपनी फैमिली की जो डिग्निटी है उसके उसके लिए एक मार्क, ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लॉट बन जाएंगे. तो इस चीज को सोचते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि इस हॉर्स को वापस कर देते हैं. अगले दिन अर्ली मॉर्निंग वो गए जॉन बायरो के फार्म पर और उसको वापस उसी जगह बांध दिया जहां से उसने उसे चुराया था, और उसने बहुत प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा, उसके फेस पर हाथ फेरा, और उसके बाद वो वापस आ गए. अब अगले दिन जो जॉन बायरो है वो अंकल खुशरो से मिलने आया. अंकल खुशरो को उसने बताया कि मेरा जो हॉर्स है वो मुझे मिल गया है वापस और मैं बहुत खुश हूं, और जो मेरा हॉर्स है वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि जो मुराद था वो उसको हर रोज प्रैक्टिस कराता था राइडिंग प्रैक्टिस, तो उससे उसकी बॉडी जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, अच्छे से ट्रेंड हो गया था. तो जॉन बायरो इज वेरी हैप्पी कि मेरा हॉर्स केवल वापस नहीं आया और ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट हो गया है. अब जैसा कि अंकल खुशरो का एक एटीट्यूड था इम्पेशेंट एंड इरिटेबल, तो वो हर बात पे यही बोलते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. जब वो पहले मिलने आया था बोल रहा था कि मेरा हॉर्स खो गया, तब भी उन्होंने उसे यही कहा कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और अभी भी वो यही कह रहे हैं. आपको मैं एक इंसिडेंट के थ्रू ये बताना चाहूंगी कि चैप्टर में एक और इंसिडेंट है जिसमें अंकल खुशरो जो है वो बार्बर शॉप में अपनी शेविंग करा रहे हैं, तो उनका बेटा दौड़ा दौड़ा आता है और उनको बताता है कि हमारा जो घर है उसमें आग लग गई है. तो वो बड़े पोलाइटली और बड़े मतलब नॉर्मल वे में बोलते हैं कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट अंकल खुशरो वॉज कैरिंग. अब इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि जो दोनों बच्चे थे मुराद एंड आराम, तो उन्होंने जो हॉर्स रिटर्न किया वो क्यों किया, क्या उनका उनको डर था, दे आर एफ्रेड ऑफ कि लोग पकड़ ले, हम पकड़े जाएं. जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट प्रॉम्प्टेड द बॉय टू रिटर्न द हॉर्स, फैमिली वैल्यूज और फियर ऑफ बीइंग कॉट और पनिश्ड, कि क्यों क्यों उन्होंने रिटर्न किया, क्या उन्हें पकड़े जाने का डर था या फिर फैमिली वैल्यूज जो है वो उन्हें अब समझ आ गई थी. तो इसका आंसर इस तरीके से होगा कि आप एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स और द एग्जाम इवेंट्स गिवन इन द चैप्टर, इंसिडेंट्स गिवन इन द चैप्टर, और जो कंक्लूडिंग लाइन होगी दैट वुड बी लाइक दैट, इट इज अ मिक्स ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड फियर ऑफ बींग कॉट एंड पनिशमेंट दैट प्रॉम्प्टेड द बॉय टू रिटर्न द
हॉर्स, क्योंकि दोनों चीजें थी, खाली एक नहीं था। क्योंकि उनको लगा कि इसे इतने इतने विश्वास से बोला कि अगर तुम गैरोग्लिनियन फैमिली से नहीं होते तो मैं क्लेम कर सकता था कि ये मेरा हॉर्स है। अब तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि हो सकता है ये मेरे हॉर्स का ट्विन हो, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा है। तो ये एक डिग्निटी, दूसरा पर्सन आपकी फैमिली की, आपके गैरोग्लिनियन फैमिली की डिग्निटी में इतना बिलीव कर रहा है, तो दिस इज योर ड्यूटी कि आप उस डिग्निटी को बनाए रखें। सेकेंड थिंग, अगर पकड़े गए तो डिग्निटी और आपका खुद का जो भी आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस सब जाता रहेगा, तो आगे से कोई बिलीव ही नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट।